नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 9 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप हमारे साथ हैं हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। और अपने सभी देखने वालों को हम बताते हैं कि हम बात करने वाले हैं साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हम अपने एक्सपर्ट के साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे भी मुलाकात करते हैं। आप हैं डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के फ्रॉम SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और सर से आप मिल चुके हैं, और आपको बच्चों हमारा टॉपिक पता चल गया। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं। कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो तो आप अपनी क्वेरीज हमसे ज़रूर शेयर करें, और अपने सभी सवालों से आप हमारे विशेषज्ञ को अवगत कराएं। हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in, और इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023, अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म। India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's get back to the session. Aur hum apne topic par aate hain. Hamara topic hai atomic structure. सर, हम आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में। सर, क्या कुछ खास है आपके पास हमारे बच्चों के लिए? जी मैडम, हम क्लास 9th साइंस, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जाना था कि एटम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने जाना था डाल्टन के बारे में, जिन्होंने कहा था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब विलियम फिप्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद ये पता चला कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज भी हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हैं। तो उसमें कुल मिलाकर जो एटम बनता है वो न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके बाद थॉम्सन ने मॉडल दिया था, जे.जे. थॉम्सन ने, और थॉम्सन ने ये कहा था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। वहां पर ये थ्योरी कब फेल हुई, जब रदरफोर्ड मॉडल आया, जिससे आज हमको पढ़ना है। रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें जो सेंटर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो गोल्ड लीफ है। बहुत ही थिन, बहुत पतली गोल्ड लीफ ली थी, इसकी जो थिकनेस थी 1000 एटम्स के आसपास, यानी कि लगभग 100 नैनोमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर का मतलब क्या है, इसमें मतलब 10^9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना हो गया, 10^-9 मीटर के बराबर हो गया। इतनी कम पतली थिन पर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, अब आप पूछेंगे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो हीलियम का न्यूक्लियस, यानी कि जो डबली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब जरा समझने की कोशिश करें कि हीलियम में हम जानते हैं 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दीजिए तो केवल क्या बचा उसमें, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा पार्टिकल कहलाएगा, या सीधा सीधा हम कहें कि हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इस अल्फा पार्टिकल का, ये जो डबली पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल का, इसका बम्बार्डमेंट कराया किस पर, गोल्ड लीफ पर। तो थॉम्सन के अनुसार तो होना क्या चाहिए था कि जितने भी पार्टिकल्स का यह बम्बार्डमेंट कराते उनमें कहीं ना कहीं हर एक में डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैम। इसमें जो रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बिना डिफ्लेक्शन के वो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल निकल गए।
उनमें से बहुत थोड़े से ऐसे पार्टिकल्स थे जिनमें छोटा डिफ्लेक्शन देखा गया, और आउट ऑफ 20,000 एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस बाउंस बैक हो गया। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई पूरी दीवार है, पूरी वॉल बनी हुई है, इस पर एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांध देते हैं और उससे कहते हैं कुछ वो स्टोन्स को दीवार पर मारे, तो होगा क्या? ये थॉमसन के अनुसार तो जितने पत्थर वो स्टोन्स दीवार पर मारेगा उतनी आवाज उसको सुनाई देगी, लेकिन यदि ये दीवार स्टोन की ना हो, केवल वायर फेंसिंग हो, बहुत दूर दूर वायर बने हुए, और फिर बच्चे से कहें कि वो हिट करे, पत्थर मारे, तो आप इमेजिन कीजिए कि अधिकतर पत्थर उन वायर फेंसिंग के बीच में से सीधे निकल जाएंगे और किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। बहुत कम ऐसे स्टोन्स होंगे जो हल्का सा वायर से टकराएंगे और चले जाएंगे, और हो सकता है कोई एक पत्थर उनमें से कोई एक स्टोन उससे टकराए और वापस आ जाए। तो फिर किससे क्या इमेजिन किया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने कहा इसका मतलब एटम का अधिकांश पार्ट खाली है। जैसे उन्होंने कहा था थॉमसन ने कि ये तो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा होता तो जितने अल्फा पार्टिकल गए थे, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, ये भी पॉजिटिव चार्ज का होता तो आपस में वो रिपल्शन होता और टकराते, क्योंकि उन्होंने वायर फेंसिंग वाला दिमाग बन के आया, तो उन्होंने कहा इस तरह से ये सीधे निकल गए, इसका मतलब अधिकांश जो पोर्शन है एटम का वो वेकेंट है या खाली है, बहुत थोड़े से पार्टिकल टकराए हैं और जो थोड़े से रिफ्लेक्शन हुए हैं और उसके बाद उनमें से एक वापस आया, तो उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में जो जो उस पर एक सेंटर में कहीं कंसंट्रेटेड है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। नेक्स्ट स्लाइड करें मैम। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि अधिकांश जो आप देख रहे हैं इसमें पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, तो ये जो पार्ट जो बिना टकराए हुए जा रहे हैं वो पार्ट सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एटम का पार्ट वेकेंट है या खाली है। आप देख रहे हैं इनमें सेंटर में वो जो डॉट के रूप में दिखाया जा रहा है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से चूंकि जब टकराएंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टकराएंगे न्यूक्लियस से टकराएंगे तो वो या तो डिफ्लेक्शन होगा, और जब बिल्कुल एकदम आमने सामने टक्कर होगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो इससे उन्होंने ये सोचा कि या उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि अधिकांश पार्ट तो है खाली और जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल सेंटर में केंद्र में स्थित है, और उसके चारों तरफ जो आपको बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है उसका, वहां वो एरिया है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये कंक्लूजन देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बट डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द रिपल्शन फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड एंड रिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट स्लाइड। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम डेंसली कंसंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। आप जरा इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, बच्चों एक बार इमेजिन कीजिए फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड और उसमें बहुत छोटी सी सेंटर में हम टेनिस की बॉल रखते हैं। अब आप सोचिए फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर तो एटम का साइज है, और वो जो टेनिस की बॉल सेंटर में रखी हुई है वो न्यूक्लियस है, और बाकी सारा पार्ट है खाली। तो यदि हम जो बात करते हैं एटम के साइज की वो है 10^-10 meters, और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो 10^-15 meters, तो लगभग उससे 10^5 meters टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम की तुलना में। तो अधिकतर पार्ट जो एटम का है वो वेकेंट है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो एटम्स के में जो बाहर की तरफ पार्ट बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं उसको उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस कारण से यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स कम अथवा ज्यादा हो जाते हैं, यदि कम होंगे तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर ज्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिया लिया जा सकता है, लेकिन जो सेंटर में जो प्रोटॉन है वो निश्चित संख्या में वहां पर न्यूक्लियस में रहते हैं, और दोनों के बीच में चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है।
नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी देखिए, रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कोशिश की और उन्होंने बताया कि एटम का साइज इसी प्रकार का है और एटम का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का है कि उसके सेंटर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और अधिकांश पार्ट खाली है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है? देखिए, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, अब जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, जब जब लगातार किसी एक सर्कुलर पाथ में वो मूवमेंट करेगा तो वो एनर्जी को एक्सेलरेट करता है, यानी कि ऊर्जा को रेडिएट करता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका जो सर्कुलेशन का पाथ है वो छोटा होता चला जाएगा, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉट स्टेबल, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड बी रेडिएट एनर्जी, थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। This were the so atom should be highly unstable and hence matter would not be exist in this form. That we know that the atoms are quite stable. तो कहने का मतलब ये कि atoms में अगर electron लगातार चक्कर लगा रहे हैं और नियम के अनुसार उनको यदि लगातार घूम रहे हैं वो charged particle है तो उनके energy का loss होना चाहिए, और energy का जब loss होगा तो ultimately उनका path जो circular path है वो छोटा होता चला जाएगा और वो ultimately nucleus में गिर जाने चाहिए और वो atom नहीं रहना चाहिए, उसका existence ही नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि atom बहुत stable होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रदरफोर्ड ने समझाया उसमें एक छोटी सी कमी रही, वो ये ना समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में लगातार चक्कर लगाने पर भी उनके एनर्जी का लॉस क्यों नहीं होता है, वो ऑर्बिट में लगातार क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। इसके लिए फिर नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट लाइन में बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. अब इसको समझो, बिल्कुल जो रदरफोर्ड ने कहा था उसी बात को नील्स बोर लेकर चले, और नील्स बोर ने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं और उन चक्कर लगाने में उनके जो एनर्जी का लॉस है या वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कारण क्या? उन्होंने दो कारण बताए। उन्होंने कहा कि इस पर दो तरह का फोर्स लग रहा है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो फ्लेमिंग राइट हैंडेड प्रिंसिपल से वो अपने को खुद को बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कि फ्लेमिंग राइट हैंडेड प्रिंसिपल आपने पढ़ा है फिजिक्स में, उसमें थंब जब ऊपर की तरफ जाता है, हाथ को अपन मोड़ते हैं राइट को और उसकी तरफ उंगलियों को अपनी तरफ मोड़े और उसका जो थंब होता है थंब हमेशा अपसाइड जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर की तरफ से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, एक जो फोर्स जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, एक वो फोर्स जो अंदर की तरफ खींच रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और बराबर हो जाने के कारण से अब वो स्पेशल ऑर्बिट्स उन्हीं में ही रहता है, ना तो अंदर जा पाता है अंदर की तरफ, ना ही वो बाहर की तरफ जा पाता है। तो इस कारण से उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता और वे लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और जिन ऑर्बिट्स में वे चक्कर लगाते हैं उनको उन्होंने एनर्जी लेवल्स कहा। फिर आप समझने की ऐसी कोशिश करें कि आखिर ये ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या शेल्स क्या हैं? वे हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 90 से 95% तक होती है। फिर समझें, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या केवल निश्चित जगह ही मिलेगा बाकी कहीं नहीं मिलेगा, नहीं, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 90 से 95% तक होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 90 से 95% है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स कहलाते हैं। इनको एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको शेल्स भी कहते हैं। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन जब लगातार न्यूक्लियस की तरफ चक्कर लगाते हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी लॉस तभी होता है जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, यानी कि अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएंगे।
जब वो अप लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएंगे तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके अपर ऑर्बिट में चले जाएंगे, और जब वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो कुछ एनर्जी का वो निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। लेकिन यदि वो एक ही ऑर्बिट में रहेंगे तो उनकी एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। दीज ऑर्बिट्स इन और शेल्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स के एल एम एन और नंबर्स 1, 2, 3, 4। तो आप देखें आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सबसे पहला शेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 90 से 95% है, उसको उन्होंने के शेल कहा, और उसको या उनको एन यानी कि एन यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इसके बाद जो सेकेंड ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको एल शेल कहते हैं, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एम शेल कहलाता है, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, और उसके बाद कहला रहा है ये एन शेल, जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। तो यहां पर वे शेल्स या वे एनर्जी लेवल्स या वे ऑर्बिट जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, उनको या तो के एल एम एन से ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनको 1, 2, 3, 4 से डेजिग्नेटेड किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, ये जिनमें की इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने नील्स बोर ने बड़ा सक्सेसफुली एटम का मॉडल दिया था। नेक्स्ट स्लाइड मैन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स। जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ के एल एम एन की, उसकी हम बात को यहाँ थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा फॉर्मूला है 2n² आप याद कर लीजिए। क्या करना है हमें, यदि आपसे भी पूछे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो हम एन स्क्वायर बोलेंगे। थोड़ा सा दिमाग ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करें तो एन स्क्वायर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2n². जैसे हम बात करें कि यदि एन की वैल्यू 1 है, अभी हमने क्या सीखा था कि एन की वैल्यू जब 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, के शेल कहेंगे। एन की वैल्यू 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 का मतलब के शेल। के शेल में हम पूछे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे उसमें टोटल ऑर्बिटल की संख्या होगी 1 का स्क्वायर मतलब 1 यानी 1 ही होगा। अब उसमें पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो हम कहेंगे 2n² यानी कि 2 × 1² = 2, इसका मतलब अधिकतम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम पहले वाले में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। यहां तक बात समझ में गई। अब इसी तरह से हम आगे की बात करते हैं, जैसे एल शेल की बात करें, एल शेल का एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। अब आपसे हम ये पूछें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप तुरंत करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4, तो आप कहेंगे इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या 4 होगी। ये अभी की क्लास में आप पढ़ेंगे कि 4 का मतलब ये है, यहाँ पर एक तो होता है सबसे पहला जो एस होता है, स्मॉल एस जिसको शार्प बोलते हैं, तो एस होता है, बाकी होते हैं 3, पी जिसको 3 होते हैं वो होते हैं पी, यानी कि एस हो गया 1 और पी हो गए 3। 3 पी कौन कौन से हैं, ईएक्स, पीवाई और पीजेड। तो यहाँ पर एस शार्प कहलाता है, पी प्रिंसिपल कहलाता है, शार्प प्रिंसिपल, फिर आगे डी आएगा, डी जिसको डिफ्यूज कहते हैं, और एफ आता है फंडामेंटल, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। फिर याद कर लें एस पी डी और एफ, एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, और उसका मतलब एफ का मतलब फंडामेंटल। तो जब हम के शेल की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई आपसे पूछे ये प्रश्न आए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो के में आप कहोगे 1 होगा, लेकिन एल शेल की बात करें तो 2² मतलब 4 होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 2² = 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 8 एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 8 का मतलब ये हो गया कि इसमें एस में 2 आएंगे और पी में हमने कहा 3 है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो पी एक्स में भी 2, पी वाई में भी 2, पी जेड में भी 2, तो क्या हो गया टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए, एस के 2, पी एक्स के 2, पी वाई के 2, पी जेड के 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ और जरा धीरे धीरे और समझने की कोशिश करें, यहीं पर गहराई से बात को हम समझते जाएं। जैसे हम जानते हैं कि एटमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एस में आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, किस में आएगा, एस ऑर्बिटल में आएगा, वो भी के शेल में, पहला इलेक्ट्रॉन के शेल में एस ऑर्बिटल में आएगा। दूसरा जो एटमिक नंबर है वो हीलियम, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो वो भी के शेल में ही आएगा,
उसको जो हमने कहा था एस में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे तब भी हमने यही सीखा था कि हीलियम का जो एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो है के शेल में। ठीक है, बात समझ में आ गई। और के शेल में चूंकि ए के ऑर्बिटल होता है तो वो एस ऑर्बिटल में है। अब इससे आगे की बात करते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 की बात करेंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, एल शेल में आएगा। दो तो पहले भर चुके, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो चुके, अब आया तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा किसमें आएगा, वो आएगा एल शेल में। और एल में भी हमने क्या बताया, पहले एस है यानी कि 2s है, फिर 2px है, 2py और 2pz, 2 यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो पहले किसमें आएगा, पहले एस में आएगा। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद अगला जो चौथा है बेरिलियम, वो भी एस में ही आएगा। अब जब पांचवा, छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले एक px में एक आएगा, py में एक आएगा, pz में एक आएगा। और उसके बाद में जब आगे आगे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएंगे, आठवां, नवां और दसवां इलेक्ट्रॉन वो वापस से px, py और pz में आएंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि ऐसा नहीं होता कि px में ही वापस से। सर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 मिनट के समय और शेष है हमारे सत्र के लिए। सर चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड कीजिए जी। नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड ऑर्बिट में जैसे आप देख रहे हैं 2 × 3² वो 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फोर्थ ऑर्बिट में बात करें n=4 तो 2 × 4² तो आ जाएगा 32। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी आउटर मोस्ट शेल में जो अकोमोडेट कर सकता है वो 8 है। और इलेक्ट्रॉन एक शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल इज फिल्ड, तो जब तक कि अंदर का शेल नहीं भर जाएगा, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि लिथियम में जब तक कि अंदर का के शेल नहीं भर जाएगा तब तक एल शेल, एम शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो पहले इनर शेल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं, उसके बाद ही हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग को रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर ने बहुत अच्छे से समझाया। तो आज हमने जो मुख्यतः जो हमने बात सीखी, पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जाना, रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा आधार दिया था, उसके बाद नील्स बोर ने एटम के मॉडल को समझाया, उन्होंने बताया किस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ उन्होंने 1, 2, 3, 4 और के एल एम एन वो शेल्स दी, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग को बहुत अच्छे से नील्स बोर ने समझाया था जी। तो इससे ये तो बात हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की, सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों के साथ जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो हमारे बच्चे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले रहे थे, और अभी फिलहाल समय है कि इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप किया जाए, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक बहुत ज़रूरी सूचना हमारी G20 समिट की, और वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023, अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म। India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let me wrap up this session here only, but you stay tuned to eVidya channel and NCERT official YouTube channel for more informative programs. अगला जो सेशन हम हैं वो लेकर आएंगे 9th स्टैंडर्ड के उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए, आप हमारे साथ बने रहें। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।